ओके क्लास एट, ये वीडियो आप लोगों का चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली लाइट होगा आपका बुक में से चैप्टर। इसमें जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन है, याद रखिएगा, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर टू मीन्स डिफरेंट टर्म्स, ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। बहुत सर, ये तो पहले किए थे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर कोई मिरर सरफेस है और ये मिरर सरफेस से लाइट आया, टकरा के इधर चला गया, ये है रिफ्लेक्शन, REFLECTION। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, रिफ्लेक्शन नहीं बात करो, मैं कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन, जिसमें ये अंदर घुस जाएगा, एंड देन देयर विल सम डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन मीन्स लाइट अगर ऐसे जा रहा है, जाके ऐसे घूम जाएगा, जैसे अगर जाना चाहिए तो ऐसे, देखो ये लाइट ऐसे आ रहा है, ये ग्लास स्लैब है, मान लो ग्लास का स्लैब है, और जैसे ऐसे आ रहा है, ये जाना चाहिए तो ऐसे, अब ये टर्न मार लिया, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट रे है, इसे ही कहते हैं रिफ्रैक्शन, व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, डोंट से जस्ट मीडियम, से ऑप्टिकल मीडियम, फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। व्हेन यू सी सम फेनोमेनन लाइक दिस, दैट इज डेविएशन ऑफ लाइट रे, और इफ यू वांट यू कैन से बेंडिंग ऑफ लाइट रे। सी, लाइट शुड गो लाइक दिस बट इट्स बेंडिंग, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। रिमेंबर, ऑप्टिकल मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑप्टिकल मीडियम्स आर दोज मीडियम्स इन थ्रू विच लाइट कैन ईजिली पास, दोज आर कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। सो व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ओके, तो तभी वो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब चेंजिंग ऑफ, अपना जो पाथ था उसको चेंज कर देना। कोई पूछ सकता, सर आप बोले बेंडिंग ऑफ लाइट रे मतलब होता है रिफ्रैक्शन, चलो बहुत अच्छा बात है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सर मतलब यहाँ ए मान लीजिए, ये एयर था और ये ग्लास था, तो यहाँ बेंडिंग हुआ, तो अब सर अगर ग्लास से एयर फिर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ फिर निकलेगा, तो सर क्या फिर से होगा क्या बेंडिंग? हाँ जी फिर से होगा, जब भी वो एक मीडियम दूसरा मीडियम में जाएगा लाइट रे, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज होना निश्चित है, ठीक है। और क्यों होता है, इसका भी कारण है, इसका मेन कारण है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का एक कुछ अपना कुछ स्पीड होता है, तुम सबको पता होगा, तुम्हारे साथ बहुत इंटेलिजेंट हो, और ये होता है स्पीड होता है 3 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यू माइट बी नोइंग दिस, स्पीड होता है इन एयर और वैक्यूम में, पर अगर ग्लास में आएगा या कोई दूसरा मीडियम है, पानी में आया कोई दूसरा मीडियम आया, उसका स्पीड सेम नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ तो कमी हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्पीड दिस फेनोमेनन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्शन या बेंडिंग जो हो रहा है उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ये अंदर गला गया, ये ऐसे टकरा के वापस नहीं चला गया जैसे रिफ्लेक्शन, ये अंदर घुसा है, ठीक है। और ये मैं लिखा हूँ यहाँ, व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और मेन रीजन बिहाइंड दिस इज चेंज इन स्पीड। सबको समझ में आई गया, और कॉमन सेंस का बात है, एक मीडियम दूसरा मीडियम जाएगा, एयर से अगर मान लो वाटर में ही जाएगा, तो तुम हवा में हाथ हिलाओ और पानी में हाथ हिलाओगे, तो देखो कि पानी में उतने इजीली हाथ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो डेंस मीडियम है ज़्यादा, उसका तुम्हारा हाथ का स्पीड कुछ कम गया। तो सेम हिसाब है बाबू, कि अगर एयर में तुम हाथ हिला रहे हो और पानी में हाथ जैसे, तो वैसे लाइट का भी वही हालत होता है, अगर लाइट अगर एयर में पास करें आराम से पास करें, वही अगर पानी में पास करे उतना उसका स्पीड नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो नहीं रह जाएगा, उसी कारण रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में कुछ टर्म्स हैं जो मैं बताऊंगा तुम लोग को, ये याद रहना चाहिए, मेन रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ जो मीडियम है उसका डेंसिटी जितना होता है, यहाँ का मीडियम वो भी सेम डेंसिटी का है, तो भाई इसमें कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, डिफरेंट डेंसिटी के लिए डिफरेंट चेंज ऑफ स्पीड होता है, और सेम डेंसिटी रहता है, चेंज होगा ही नहीं, यहाँ पर जो स्पीड है वहाँ पर भी, तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक है, समझ गया ना, जाना चाहिए ऐसे, चला गया ऐसे, ओके। अब मैं पूरा डायग्राम दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे गया, जाना चाहिए ऐसे, वो बेंड हुआ, बेंड होके फिर निकला ऐसे, फिर बेंड हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर देखो यहाँ से देखो अगर, तो यहाँ जाना चाहिए ऐसे पर गया ऐसे, फिर बेंड हुआ, तो बेंडिंग तो हुआ। बहुत जो पूछा, ठीक है आप मान, आपका बात मान गए, ये बेंडिंग होगा, तो आप इधर ही क्यों बेंड किए, आपका जाना चाहिए इधर, आप इधर भी बेंड कर सकते हैं ना। हाँ बाबू ये भी आएगा, ये भी बताऊंगा मैं, कभी इधर बेंड होगा कभी इधर बेंड होगा, ये क्या समझते हैं हम लोग, तो समझ लेंगे कि पहले हम लोग कुछ टर्म्स समझ लेना होगा किसको क्या कहते हैं, उसके बाद बताऊंगा रूल्स क्या है, वो बस समझा दूंगा तुमको, ठीक है।
ध्यान से देखते रहना, अगर ना हो फिर से देख लो क्या है। तो पहले कुछ टर्म समझते हैं हम लोग। ये जो लाइट पहला आया इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ओके। और बाद में जो रिफ्रैक्ट करके अंदर जब घुस गया, अंदर के रिफ्रैक्ट किया होगा, तो ये जो रे है ये वाला, देखो मैं लिखा हूँ, ये रिफ्रैक्टेड रे। एंड आफ्टर दिस ये निकला जो बाहर, निकल इमर्ज आउट हुआ, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, डॉटेड लाइन बनाता हूँ। तुम लोग ये पहले क्लास में भी किए हुए, डॉटेड लाइन होता है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ऐसे कहते हैं नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होता है, होता है नहीं, तुम कहीं बना सकते हो। मैं यहाँ भी बनाया हूँ जहाँ पर पॉइंट है, और एक यहाँ भी बनाया हूँ, ठीक है। तो ये था नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सॉरी यहाँ पे मेरा डायग्राम कुछ गलत हो गया, आर का वैल्यू। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टरी के बीच में जो एंगल है वो एंगल रिफ्रैक्शन, ओके, नॉर्मल साथ में होगा। एंड नॉर्मल इमेजेंट रे के बीच में जो एंगल है, नॉर्मल इमेजेंट रे के बीच में, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो दिस सम टर्म्स विच आई विल बी यूजिंग वेल टीचिंग दिस। सो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड देन इमर्जेंट रे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके। एंड दिस रे, ये जो था जो डॉटेड लाइन बनाया हुआ, एक्चुअली है नहीं ये, अगर तुम इसका प्रोड्यूस करो इंसिडेंट रे तो ऐसा बनता। ओके, नाउ सम रूल्स। सो वी हैव कवर्ड व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड समथिंग टर्म्स। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रूल्स, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। द रूल्स में पहला रूल है जो तुम बोले थे, सर इधर क्यों होगा उधर क्यों नहीं होगा, हाँ यही बात करने वाला। सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, नाउ व्हाट इज रेयरर मीडियम, लेट मी कम एक्सप्लेन दिस। कम डेंस वाला मीडियम कहते हैं रेयरर मीडियम। जैसे अगर एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर का डेंसिटी डेफिनेटली ग्लास की तुलना में कम हुआ, तो ये हो गया रेयरर मीडियम। और जिसमें जा रहा है सर घना मीडियम और डेंसर मीडियम, समझ में आ गया होगा। तो अगर रेयर मतलब कम डेंस से ज्यादा डेंस में जा रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होता है हमेशा नॉर्मल के तरफ जाता है। देखो ये मेन पाथ था, या तो ऐसे जा सकता था जिसे हम लोग कहते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, या फिर नॉर्मल की तरफ जा सकता था टूवर्ड नॉर्मल। तो कभी भी अगर रेयर मीडियम से, देखो ये वाला रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाए, तो इट्स ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। दिस इज द फर्स्ट रूल, प्लीज डू रिमेंबर दिस लाइन, ओके। व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। नाउ इफ यू कंसिडर दिस लाइन, ओनली दिस लाइन, दिस रे, यहाँ ऊपर से मत देखो, यहाँ से देखो, तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है, ठीक है। इसको जाना चाहिए ऐसे, देखो ये कहाँ जा रहा है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, ये नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा, नॉर्मल ये रहा और इसके तरफ नहीं जा रहा है, इधर जाता तो ऐसे हो जाता, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम होता, मैं आगे लाइन नहीं लिखा हूँ, डेंसर रेयर होता तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, प्लीज टू रिमेंबर दिस लाइन। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर मीडियम रेयर मीडियम जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। तीन लाइन बता दिया तुम लोग को। एंड इफ इट गोज परपेंडिकुलर, तो अगर कभी लाइन ऐसा जाए मतलब परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, मानी रे ऑफ लाइट ऐसा भी जा सकता है ना, कैसे भी जा सकता है, और यू कैन से इट इज नॉर्मली गोइंग, नॉर्मली नॉर्मली मतलब हम लोग का जो कॉमन भाषा में नॉर्मल है, नॉर्मल है वैसा, नॉर्मली फिजिक्स की भाषा में नॉर्मल, फिजिक्स या मैथ्स की भाषा में कभी नॉर्मल हो, नॉर्मल वो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा, मतलब वो 90 डिग्री बना रहा फ्रॉम द सर्फेस। या हम लोग बहुत जन ये भी कहते हैं कि पैरेलल टू द नॉर्मल, नॉर्मल जानते हो ना वो जो इमेजिन इसके पैरेलल है, देख लो ऐसे कोई लाइन चला जा रहा है, बोलो ना परपेंडिकुलर जा रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो इट गोज अनडेविएटेड, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। दिस इज द थर्ड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन इट्स गोइंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, परपेंडिकुलर मतलब वो स्ट्रेट जा रहा है, या यू कैन से नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स नॉट नॉर्मली, हम लोग जैसे बात करते हैं नॉर्मल है भाई, वैसा बात नहीं, नॉर्मली मीन्स कुछ 90 डिग्री वाला एंगल बनाता है, नॉर्मली जब इट गोज अनडेविएटेड और नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, ओके। सो दिस इज द टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट, इतना तो याद रखो। मैं और उसके बाद मैं अब बताऊंगा लॉ, दो रॉ लॉ है थोड़ा बता दूँ, फिर नेक्स्ट दिन फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा लॉ से। लॉ है पहला लॉ है, दो लॉ है, एक है स्नेल्स लॉ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और दूसरा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाइक करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं अगले रिपीट करता हूँ, यहाँ दो लॉ है, अब रूल्स का नहीं बात कर रहे, लॉ का बात कर रहे थे अभी, लॉ इसके बाद टॉपिक है मेरे लोग का। तो लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यू नो व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज इमेजिनरी लाइन, इट्स नॉट एक्चुअल लाइन, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन टू द सर्फेस, द
इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिपीटेड लाई एट द सेम पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज, थोड़ा अजीब सा है, इसका नाम है स्नेल्स लॉ, SNELLS लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ, ये निश्चित आ सकता है परीक्षा में, पूछता ही पूछता है। आज बताऊँ, छोड़ो आज बताऊँगा नहीं, आज बहुत बड़ा ऐसी वीडियो हो चुका है, 10 मिनट्स का हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट दिन के लिए वीडियो बना कर रखता हूँ, ठीक है, और आगे का बात है तो अब यहाँ तक ना अच्छे से रखना, और नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें हम लोग लाइव क्लास में हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे ये लॉ क्या है और रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, इफेक्ट्स कॉम्पनसेशन क्या होता है, यहाँ तक एटलीस्ट लैटरल डिस्कस में यहाँ तक एटलीस्ट ट्राई करूँगा मैं खत्म करने का, उसको मैं और वीडियो बनाऊंगा इसमें ये पार्ट कवर करूंगा, एंड दैट्स ओवर दिस चैप्टर। ओके, तो शायद अच्छा लगा होगा आप लोगों को, समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो फिर से रिपीट करके देखो क्या मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट, रिफ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन योर टर्म्स और ये रूल्स, ये तीनों अच्छे से समझो, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ सकते हो, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। और किसी को फीस देना तो मेरे को प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैं उसको अकाउंट डिटेल्स में फॉरवर्ड कर दूंगा, और ठीक है फिर दे देना, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।